नमस्कार बच्चों। तो टुडे आई एम नॉट सेइंग हेलो, कोई बात नहीं, नया ट्रेंड है। तो अगेन नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑन आवर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन लेक्चर वन वी अंडरस्टूड और वी सो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन वी मूव्ड फर्दर एंड वी लर्न्ड दैट हाउ कैन वी इमेजिन लीनियर इक्वेशंस एंड व्हाई डू वी कॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एज लीनियर इक्वेशन एंड हाउ इज दिस एसोसिएटेड टू अ स्ट्रेट लाइन। आई एम रिकॉलिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज यू कैन बेटर विजुअलाइज ऑल द थिंग्स विच आई एम speaking or which I have spoken in the previous lectures, और इस lecture में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको visualization आपका अच्छा रहे। तो ये जो लिखा हुआ है वही वाली बात कि जो भी पढ़ो, जो भी देखो, जो भी सुनो, सबको imagine करो। imagine करते हैं तो चीजें हमारी permanent होती जाती है। तो हमने अब तक ये देखा कि basically इस chapter का objective इतना सा रहता है कि हमें दो equations दी जाती हैं जिनमें x और y अननोन होते हैं और हमारी कोशिश x और y को सॉल्व करने के लिए ही होती है। तो तरह तरह के मेथड, तो बेसिकली देर आर टू मेन मेथड्स। वन इज एल्जेब्रिक मेथड जिसमें कॉपी और पेन रिक्वायर्ड है, अनदर इज ग्राफिकल मेथड जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। एल्जेब्रिक मेथड में हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा था सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, मींस y को सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ x, get equation in x and solve x as you get x, put x in any of those equations and get y. In elimination method we learned that what should we do is we rewrite the equations the way we can eliminate x or y. So we make the coefficients equal of x or y, it is our choice. To jo zyada convenient hota hai hum usi ko pakadte hain. तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई वगैरह कर करके हम लोग ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं सो दैट एलिमिनेट हो जाता है एक्स या वाई। डायरेक्टली वी गेट वाई और एक्स, देन एज वी गेट वन वेरिएबल वी कैन फाइंड अनदर वेरिएबल बाय पुटिंग दिस इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस। उसके बाद में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आई गॉट वन कमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। स्टूडेंट नेम मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उस स्टूडेंट ने ये कहा कि सर लेक्चर टू में बड़ा मजा आया, बट एक्सपेक्टेड ये था कि लेक्चर वन में मजा आया होता क्योंकि मैंने उसमें काफी आलतू फालतू बात की थी, बट लेक्चर टू में मजा आया। थैंक यू टू दैट स्टूडेंट। एंड उस स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं थैंक यू नहीं बोलता हूँ बच्चों को, लेकिन जब मैं अंदर से खुश होता हूँ तब मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों को थैंक यू इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ काम ही वो नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा काम करते हैं तो अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है बच्चों। कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप राइटिंग द नोट्स, keep solving the NCERT or concerned questions and keep asking the doubts. तो third जो उसमें था method, किसमें? Algebraic methods में, first substitution, then elimination, then third method was cross multiplication. ये third method था cross multiplication. आज हम इसको समझेंगे। तो इस मेथड के बाद में फिर एल्जेब्रिक यानी कॉपी पेन यूज करके जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस को, उनमें जो थर्ड मेथड था उसमें जो थर्ड मेथड था वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये मेथड पूरा होती है, एल्जेब्रिक मेथड्स विल बी ओवर। व्हाट इज दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐसे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कोई दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को, जो भी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमें चूंकि ये मेथड एकदम स्पेसिफिक मेथड है, ठीक है, स्पेसिफिक मेथड है मतलब, तो सबसे पहले ये कहा कि इफ द पेयर ऑफ एलीज लीनियर इक्वेशंस आर रिटन इज, कैसे लिखी हुई हो, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y, यानी कि एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है,
कि जब आपको पहेली दी जाएगी तो पहेली में जो दो इक्वेशन है उनको आप ऐसे लिखोगे, मतलब अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ये दोनों को हमें रीराइट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन वन क्या है, x माइनस फोर वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अनदर इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां पर a वन, यहां पर b माइनस फोर सी जीरो। a यानी a टू टू है, b टू माइनस वन है और कॉन्स्टेंट माइनस थ्री है। मतलब इक्वेशंस को ऐसे लिखना है कि वो जनरल फॉर्म में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, तो इफ द पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करने का। अब ध्यान से सुनना, जब भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं हर एक फॉर्मूले से जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती है कि वो फॉर्मूला कब काम करता है, कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, उस फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, नोटेशंस यूज हो रही है, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अब वो क्या समझा रहा है आपको, यानी कि कोई मैथमेटिशियन आपको समझा रहा है, आई एम नॉट द मैथमेटिशियन, तो कोई मैथमेटिशियन जिन लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिसाइड किया वो ये समझा रहे हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरीके से लिख दी जाए देन वी यूज दिस टू गेट एक्स एंड वाई डायरेक्टली, एंड व्हाट डू वी यूज डायरेक्टली, एंड व्हाट डू वी यूज, ये रहा आपके सामने। आपको कुछ ऐसा करना है। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूंगा लेकिन अभी है वो क्वेश्चंस। ऐसा करते हैं, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जब फॉलो करते हो तब फॉर्मूले की ही सुनो, क्यों का जवाब बाद में लेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों बना। तो अभी आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो x के नीचे 3 सेट हो गया, y के नीचे 4 सेट हो गया, यहां 2 सेट हो गया, कुछ ना कुछ किया होगा आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने किया नहीं। तो जब आप ऐसा सेट कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल, इट मींस x बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2, सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट x इज इक्वल टू 3 बाई 2। आ रहे समझ में, फिर माइनस y बाई 4 इक्वल टू हाफ, फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड रेशियो माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू हाफ, माइनस वाई गोज टू माइनस फोर बाई टू, सो वाई सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू फोर बाई टू, सो वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन करें तो ये ढांचा तैयार करना है, ढांचा मतलब फ्रेम तैयार करना है, और इस फ्रेम में एक चीज बची हुई है वो है यहां पर नंबर भरना। अब यहां पर नंबर हम लोग आए बाएं कुछ भी नहीं भर देंगे, भरने से पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये माइनस लगाना जरूरी है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्यों का जवाब मैंने आपको बोला था, सर यहां माइनस क्यों नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा बाद में, यानी ये फॉर्मूले की डेरिवेशन में कि कैसे आया। तो x को सप्रेस किया, b1 x को, जब x के नीचे क्या आएगा वो आपको मुझे बताना है, तो x के नीचे क्या आएगा उसके लिए आपको x की कॉलम को सप्रेस करना है ऐसे हाथ रख करके। अब केवल और केवल कोएफिशिएंट्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कोएफिशिएंट्स क्या बचे, b1 b2 c1 c2, तो b1 into c2, b1 into c2 minus b2 into c1, आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। इसके नीचे जो आएगा वो b1 c1 b2 c2, b1 c2 minus b2 c1, b1 c2 minus b2 c1, अगेन b1 c2 minus b2 c1। अब आप में से कई बच्चे ये पूछते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं कि सर ऐसे काहे नहीं किया, तो आप हमेशा याद रखना जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चार कोएफिशिएंट्स को इन्वॉल्व करोगे तो जो आगे की तरफ है और जो ऊपर की तरफ है उसी से पहला क्रॉस होगा, तो पहला क्रॉस b1 c2 minus b2 c1, ओके। अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, यू नीड टू लिसन केयरफुली केयरफुली राइट नाउ, उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला क्यों आया। ये हो गया, अब y के नीचे क्या आएगा, माइनस वाई के नीचे, इसको प्रेस किया। अब ऐसे नहीं लेंगे ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, जब एक बार आप सीख जाओगे ना बच्चों तो आपको बहुत इजी लगेगा, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। ये भी मत पूछना कि सर ए डी क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों, एड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला वैसा ही बना। वन के नीचे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट को प्रेस करो, सप्रेस करो, ए वन बी टू, a1 b2 हमेशा आगे से और ऊपर की तरफ, a1 b2 minus a2 b1। अब देखो जब आपको इक्वेशंस मिलेंगी तो यहां नंबर होगा, तो नीचे नंबर आया कि नहीं आया,
फिर इसको इसको पकड़ोगे तो x आ जाएगा, इसको और इसको पकड़ोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग पहले इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मुझे आपको ये बताना है कि ये आया तो कैसे आया। मुझे पता है अभी जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है और वो अभी ही कमेंट बॉक्स में लिखने चले जाएंगे कि सर आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग मेंशन्ड एट दिस टाइम। तो हैव पेशेंस, पहले आप इसको रटना सीख लो या इसको रट लो कि हाउ डू वी अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स। पता है बच्चों, जिस तरीके से बोलते वक्त हर एक चीज को सोच करके बोला जाता है, एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो कि बार बार ये ना कहे मतलब एक मिनट, हाँ वो तो समझ रहे हो ना, और जो अपनी चीजों को बार बार एडिट ना करे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं हर चीज को इस तरीके से बोलूं कि आपको कंफ्यूज ना करूं तो अच्छा स्पीकर होता है। उसी तरीके से अच्छा लिसनर वो होता है जो सामने वाले की बात को पकड़ करके इमेजिन करता हुआ चले। तो अभी सर आप क्या कहना चाह रहे हो वो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों अभी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना सिखाया, अभी हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, उसके बाद में फिर इसके प्रूफ को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं कि सॉल्व द पेयर ऑफ गिवन एलीज लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और भी तरीके हैं लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाया जा रहा है। फिर जब तीनों मेथड, क्योंकि दो तो सीख चुके हैं, इसको मिलाकर के जब तीनों सीखेंगे तो इट इज ऑन अस या इट विल डिपेंड ऑन अस कि हम कौन सा मेथड ऑप्ट करते हैं। तो पेयर है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करता है। यानी x और y की कौन सी वैल्यू, देखो मैंने क्वेश्चन को सोचने में टाइम लिया, आप समझ गए कि सर अच्छा आंसर आएगा इसका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या सीखे थे, वी नीड टू रीराइट द इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। तो ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस 3x plus 4y minus 2 equal to 0, 2x minus y minus 5 equal to 0. X का कोएफिशिएंट इधर 3 इधर 2, 4 minus 1 minus 2 minus 5. By cross multiplication, x upon something minus y upon something, 1 upon something. X के नीचे क्या आएगा, x को सप्रेस किया, 4 इंटू माइनस वन, कई नमूने क्या करते हैं 4y इंटू माइनस वाई माइनस फाइव कर देते हैं या 5 का कोएफिशिएंट माइनस वन ले लेते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि वो बेवकूफी कर रहे हैं। यहां पर y का कोएफिशिएंट 4 इंटू माइनस फाइव कितना हुआ, माइनस 20, ठीक है। फिर सर माइनस होगा, ब्रैकेट क्यों लगाया, समझ गया ना ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अगर सर ये नेगेटिव आया तो सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा वाला क्रॉस जो क्या है, माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू, ठीक है। y के नीचे माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, इसको सप्रेस किया, इसको सप्रेस किया, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस 15 माइनस माइनस टू इंटू टू माइनस 4 माइनस टू इंटू टू माइनस 4। कॉन्स्टेंट के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे क्या आएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अगला क्रॉस प्रोडक्ट, इसको सप्रेस किया था 3 इंटू माइनस 1 4 इंटू 2 8। फिर इसको अच्छे से लिखा x अपॉन माइनस 22, ठीक है, माइनस y अपॉन माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 एंड 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11। ये माइनस से माइनस कैंसिल, अभी हमारे पास है x बाय माइनस 22 y बाय 11 1 बाय माइनस 11। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x by minus 22 is equal to 1 by minus 11, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो दोनों फ्रैक्शन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस 1 कट गया। तो x is equal to 22 by 11, that is x equal to 2. अब क्या करेंगे, फ्रॉम
second and third ratio. What do we get? Y by 11 is equal to minus 1 by 11. Minus 2 by 5 बोलो या 2 by minus 5 बोलो बात बराबर है. तो minus 1 by 11 इसको use करो कि 1 by minus 11 use करो बात वही है. तो y by 11 is equal to this. तो y is equal to क्या आ गया? Minus 1. तो solution क्या आ गया इस mystery का? Solution x comma y. First we always write the value of x, then the value of y which is minus 1. आप चाहो तो check कर सकते हो. 2 और minus 1 रख करके देख सकते हो. आया समझ में? Okay. एक और मेथड, एक और क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करने में जरा सी भी दिक्कत ना आए. जैसे ये आ जाए सॉल्व 3x इक्वल टू 4y, 3x इक्वल टू 4y, x प्लस y इक्वल टू 7. इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं. सो रीराइट द इक्वेशंस. रीराइटिंग द इक्वेशंस, आपको पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का फॉर्मूला या टेक्निक यूज करेंगे या शॉर्टकट यूज करेंगे या मेथड यूज करेंगे तो हम एक सेट पैटर्न पर काम करते हैं. सेट पैटर्न या सेट फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है. 3x minus 4y plus 0 is equal to 0, ax plus by plus c, x plus y minus 7 is equal to 0, using cross multiplication x upon minus y upon 1. अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या क्या इनके नीचे आएगा. इसको सप्रेस किया, माइनस फोर इंटू माइनस सेवन दैट इज 28. अगला क्रॉस 1 इंटू 0, 0. इसको सप्रेस किया, 3 इंटू माइनस सेवन माइनस 21. अगला ब्रैकेट ये सप्रेस किया ना, x का 1 इंटू 0, 0. कॉन्स्टेंट 3 इंटू 1 पहला क्रॉस, अगला क्रॉस 1 into minus 4, minus, so what do I get? I get x by 28 is equal to minus y by minus 21, यानी minus minus आप उड़ा सकते हो, 1 by 7, x by 28, अब आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू लानी है, so from first and third ratio, x by 28 is equal to 1 by 7, x is equal to 28 by 7, that is 4, so value of x is equal to 4. From second and third ratio, y by 21 is equal to 1 by 7, that is y is equal to 21 by 7, y is equal to 3. Hence, the solution of the linear pair of linear equations is 4, 3. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन हमें अब ये कंफ्यूजन होगा कि सर इन तीनों में से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से कौन बेस्ट है. अब बच्चों ये तो झगड़ा है, इसका फैसला कैसे करें? इसका फैसला इस तरीके से करें कि आप कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना अराउंड 20, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो जब आप 20 क्वेश्चन कर लो, 20 क्या, अगर 10 भी क्वेश्चन में आप इस तरीके से सोचो कि हाँ वर्ड प्रॉब्लम थी या जो भी थी, अल्टीमेटली मैं कहां पहुंच गया कि मेरे पास अब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब मुझे ना ये सोच रहा है कि कौन सा मेथड लगाऊं, तो ये फैसला बच्चों आपका होना चाहिए. अगर मैं आपको बता दूं कि कौन सा मेथड अच्छा लगता है या कौन सा मेथड यूज करना चाहिए तो मजा नहीं आएगा. आप खुद उस समय सोचना कि मैं यहां एलिमिनेशन लगाता हूं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं तो क्या होगा, एलिमिनेशन लगाता हूं तो क्या होगा. सर आप क्यों नहीं बता रहे हो? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं बच्चों कि खुद के
द्वारा या अगर हम कोई चीज खुद से डिराइव करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या लर्न करते हैं या कोई तरीका बनाते हैं याद करने का, तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है और परमानेंट रहता है। दैट्स व्हाई मैं ट्रिक्स कई बार पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूं, लेकिन कभी भी ट्रिक को ट्रिक बोल करके नहीं पढ़ाता हूं, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन विच क्लिक्ड इन माई माइंड एंड आई एक्सप्रेस्ड इट टू यू। तो अगर वो ट्रिक्स, वो मेथड्स, वो कॉन्क्लूजन्स आप खुद निकालोगे तो वो परमानेंट होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस या मेथड्स या शॉर्टकट्स कौन निकालता है? जिसको दिक्कत आ रही है, वो पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको लग रहा है कि अरे इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ही और शी विल थिंक कि हाउ कैन आई सॉल्व इट क्विकली। व्हेन समवन थिंक्स लाइक दिस और व्हेन समवन थिंक्स लाइक हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी इजी गोइंग वे, then he or she will search or find the ways. If he or she succeeds in finding the way, required way, then it is permanent. And अगर आप इसको compare करो teacher की बोली हुई बात से और आपके खुद के derived चीज से, तो बच्चों ज्यादा permanent आपने खुद ने जो निकाला वो होता है, क्योंकि वो आपने खुद ने निकाला है। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब कोई चीज आप सीख लो उसका पता कैसे लगेगा कि आप वो सीख चुके हो? आपने एक घंटा अगर पढ़ा टीचर के थ्रू, अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो खुद से बोल करके लाइक टीचर और अपने आप को समझाओ, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप अच्छे से समझा पाए मतलब वो चीज सही है, और नहीं समझा पाए मतलब नहीं सीखे। या एक और तरीका है कि इस बात का पता लगाने के लिए कि हम लोगों को जो चीज हमने पढ़ी है वो अच्छे से समझ आई कि नहीं, अगर आप खुद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना सकते हो और बना दिया, मींस आप समझ लो कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को समझ आई बात, लेकिन आप इसको सुनना बहुत काम की बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया, मुद्दे की बात ये है कि सर ये आया तो कैसे आया, तो ये मुझे सिखाना है, यानी प्रूफ या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या ऐसा बोल दो कि प्रूफ ही ठीक है, प्रूफ भी बोल सकते हैं, प्रूफ फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैं बताता रहा हूं बच्चों, लेकिन एक साथ में नोट भी आपको दे रहा हूं। नोट ये है कि वही समझे जिनको समझ आ रहा है, और जिनको नहीं समझ आ रहा है वो सीधा मुद्दे की बात पकड़े कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है और ये काम क्या आता है, ये लीनियर पेयर या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में काम आता है। तो प्रूफ फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो इक्वेशंस जो भी दी हुई रहती हैं हम उनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब चूंकि एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिक मेथड्स हैं, उनके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग बेसिक मेथड से इसको करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए एक्स के कोएफिशिएंट इधर a1 इधर a2 है, तो इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर a1 a2 हो जाएगा, इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर a1 a2 हो जाएगा। This is 1 and this is 2. So what am I doing is equation 1 into a2. So I get a1 a2x plus a2 b1y plus a2 c1 is equal to 0. a2 se multiply kiya. Now I multiply equation number 2 by a1 and what do I get? I get a1 a2x plus a1 b2y plus a1 c2 is equal to 0. Up elimination. ठीक है, कई बच्चे ये भी सोचते होंगे कि एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि आप तीनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगेगा इसका फैसला आप खुद करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस भी करूंगा इस चीज को। सबट्रैक्ट किया, ये निपट गया, वाई के साथ क्या आया, इतना वाई माइनस इतना वाई, तो इतना माइनस इतना, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू प्लस इतना माइनस इतना, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट डू आई गेट, वाई इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो माइनस अपॉन ये ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ये आपको समझ नहीं आया तो देखो क्या लिखा हुआ है, समथिंग इंटू वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट पी या बी इज इक्वल टू जीरो। तो ऑफकोर्स वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा माइनस बी, y हो जाएगा माइनस बी वाई ए, यही मैंने यहां पर किया। अब आप चेक कर लो बच्चों, आप जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते थे तो y के नीचे क्या आता था, a1 c2, y को प्रेस किया a1 c2 माइनस माइनस y के नीचे क्या आता था,
a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आता था a1 b2 माइनस a2 माइनस a2 b1। अब आप चेक करो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। ये माइनस एडजस्ट करना था, मतलब a2 है तो यहां से मैं माइनस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a2 c1 कॉमन लिया तो a1 c2, नीचे भी माइनस बाहर निकाला तो हो गया a2 b1 माइनस a1 b2। रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। अभी देखो मिला क्या मिला। इन द सेम वे अगर आप एलिमिनेशन y का करते हो यू गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो ये मैथमेटिशियन लोगों के दिमाग की उपज थी, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस, क्योंकि मैं बच्चों मैथमेटिशियन नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य कॉमन मैन हूं जिसको मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता था, तो उसने क्या सोचा कि बच्चों को भी पढ़ाया जाए। इसीलिए बच्चों मैंने कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं भी एक ब्राइट स्टूडेंट था, आई कुड बी एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेड ए ग्रेड बी, इट डजंट मीन कि आई एम ट्राइंग टू शो, बट आई लव टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। सो लव व्हाट यू डू, इट डजंट मीन कि अगर आपको पबजी खेलना अच्छा लगता है तो आप पबजी खेलो। क्या करते हैं कि ये जो ऐसे जब ज्ञान मिलते हैं ना कि लव मतलब डू व्हाट यू लव या डू व्हाट यू लाइक, डू व्हाट यू पैशनेट अबाउट, तो इनका ना गलत मीनिंग मत लगाया करो, ठीक है। आपको ना उनको अच्छे से समझना है। खैर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लेक्चरबाजी नहीं कर रहे। सो यू हैव गॉट द प्रूफ दैट हाउ डज इट कम या हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। अब बात आती है कि हमने तीनों मेथड सीख लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तीनों मेथड्स। तो अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों मेथड्स जब हम पढ़ लेंगे तब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और थोड़ी और अच्छी, पिछले लेक्चर में जो की थी उससे थोड़ी और अच्छी करेंगे, क्योंकि मेन इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स ही बच्चों को तंग करती है। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा मेथड लगाएं, शायद आपको हिंट भी मिल जाए। लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं कभी नहीं बताऊंगा कि विच मेथड इज द बेस्ट मेथड, और शायद होता ही ना हो, तीनों अपने अपनी जगह सही होते हो। इसकी खोज आप ही करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो पहली प्रॉब्लम है ए एंड बी इच। अब आपको बच्चों कोचिंग से मटेरियल लेना है, क्योंकि कोचिंग से मटेरियल कलेक्ट करो, ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स को भेज दें या आप व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप हार्ड कॉपी ले लें। इट डजंट मीन कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि कोचिंग है, बहुत सेफ है, मैं आप आ सकते हैं। कोचिंग में हम लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उसके हाथ और उसके बोलने या उसके श्वास लेने से, उसके मुंह के खुले रहने से ही प्रॉब्लम है। तो मास्क यूज करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। कोचिंग के बाहर एक सैनिटाइजर का वो रखा हुआ है, आप उसे हैंड वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब आप ना बच्चों फ्लो में आ गए हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करा सकता, और आप कलेक्ट करें या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। सो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। फील करते हुए चलना, ए और बी सामने खड़े कर लो अपने, देखो पता है मैं कैसे फील करता हूं। ए एक काला साथ में दिख रहा है, बी अभी क्या दिखा मेरे को, एक व्हाइट। अब आप रेसिज्म पे मत जाना कि सर आप कलर को डिस्क्रिमिनेशन में डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इमेजिन किया मुझे वही दिखे, सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। देखो मुझे उसका ब्राउन बॉक्स भी दिखा, ब्राउन बॉक्स में उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे। तो आप कैसे भी इमेजिन करो, बट इमेजिन करो ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए सेज टू बी, ए बी को क्या कहता है, स्टेटमेंट है ए सेज टू बी, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, आई विल हैव
twice the number of oranges, twice the number of oranges left with you, left with you. B replies, BB bolta hai, if you give me 10 of your oranges, 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find, अब मुद्दे की बात पर आ गया, find the number of oranges with A and B separately. ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, अब इसको इमेजिन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां A है और यहां B है। आपको मैंने क्या बोला था, जब आप क्वेश्चन पढ़ लो तो क्वेश्चन में ही मेथड या सॉल्यूशन का तरीका छिपा हुआ होता है। आपको यह भी नहीं पता कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं है। आप ऐसा सोच करके कभी ना पढ़े कि इस चैप्टर को पढ़ रहे तो इस चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि बच्चों जब एग्जाम होता है तो वहां चैप्टर मेंशन नहीं रहता है। आपको कुछ नहीं पता, अपने आप ही लीनियर पेयर में बदल जाएगी, देखना कैसे। ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस और वही लास्ट में पूछा जा रहा है कि फाइंड अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेटली। तो बच्चों ए के पास एक्स और बी के पास वाई, आगे ना दो वेरिएबल अपने आप, जो पूछा है विद ए एंड बी, जो पूछा है वो हमने अब इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ पहली की फॉर्म में, यही तो पहली है। क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए सेज टू बी, ए बी को बोलता है कि भाई तू मुझे अगर 10 दे देगा ना तेरी ऑरेंजेस में से, अगर तू मुझे 10 दे देगा तो आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। तो अगर केस वन, ए के पास कितनी हो गई, x प्लस 10, क्योंकि कहां से आई, बी ने दी, ए ने कहा कि अगर तू मुझे 10 दे दे तो B के पास कितनी है, y माइनस 10, y थोड़ी ना रहेगी। अगर वो अपने पास से 10 ऑरेंजेस A को देगा तो A के पास x प्लस 10 और B के पास y माइनस 10। इस केस में क्या, I will have twice number of oranges, A is saying that अगर तू 10 दे देगा तो I will have the twice the number of the oranges left with you. Twice the number of oranges left with you. So we have got first equation, x plus 10 is equal to 2y minus 20, that is x minus 2y is equal to minus 20 minus 10. So x minus 2y is equal to minus 30. It is equation number 1. अब अगला केस, केस 2 की बात करते हैं। A ने जब उसको बोला ऐसा तो B भी चुप नहीं रहा, B ने कहा कि अच्छा मैं क्यों दू तेरे को, अगर तू मेरे को 10 दे देना, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। अब ए के पास x थी, बी के पास y थी, अब बी बोल रहा है कि अगर तू मुझे, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, तो y प्लस 10 x माइनस 10, देन आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, इन दैट केस y प्लस 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। आई रिपीट, B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges. If B gives 10 oranges, sorry, B बोल रहा है ऐसे, अगर तू मुझे 10 oranges देते, तो इसके पास तो y plus 10 हो जाएगा, इसके पास x minus 10. तो मेरे पास oranges और तेरे पास oranges बराबर हो जाएंगी, ठीक है? तो एक equation ये मिली, क्या है ये equation? X minus y is equal to 20. और इसको ऐसे भी लिख दो, x माइनस y इक्वल टू 20, इट इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमारी आदत है कि हम पहले x को लिखते हैं, इसीलिए हम इसको रीअरेंज किया, ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड्स को वापस इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं इधर कोने में लिख लेता हूं क्योंकि मुझे अभी दोबारा
रख करके लिखना होगा, इनको सॉल्व करना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। तो नाउ x और y अगर हमें ढूंढना है तो अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो द इक्वेशंस आर, इक्वेशन वन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 30, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब कैसे लिखें, कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको बोला था यहां तक पहुंचना हर बच्चे को आना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम में बस इतनी सी डिफिकल्टी होती है, इसके बाद तो सॉल्व करना आपको आता है। अब बताओ कौन सा मेथड दिख रहा है ना, वन इसका भी कोएफिशिएंट वन, क्या है दिमाग में, एलिमिनेशन। अब मेरे दिमाग में एलिमिनेशन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, वन माइनस टू करूंगा, तो जब दिस माइनस दिस होगा तो ये प्लस माइनस में चला जाएगा, ये माइनस प्लस में चला जाएगा, ये प्लस माइनस में चला जाएगा, एक्स एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस टू वाई प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 50, तो वाई कितना आया 50। पुट वाई इक्वल टू 50 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सो आई पुट इन वन, एक्स माइनस टू इंटू 50 इज इक्वल टू माइनस 30, सो एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 30, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 30, दैट इज 70। अब बच्चों क्या आया, ए के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस 70 और बी के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस 50, और आप चाहो तो चेक भी कर लो। पहला ए ने बोला कि तू मुझे 10 दे, तो ए के पास इससे डबल हुई कि नहीं हुई। बी ने बोला तू मुझे 10 दे, तो अगर ये 10 देगा तो उसके पास 60, इसके पास 60, दोनों के पास बराबर, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हेल्ड बाय ए 50, बाय बी 50, सॉरी ये 70 ए 50, दिस इज आवर आंसर। आया समझ में, चलो बढ़िया है। सर आपको कैसे पता लग रहा है कि हमें समझ में आ गया? बच्चों मेरा कॉन्टेक्ट है आप लोगों, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, तो आई कैन नो वेदर यू आर गेटिंग और नॉट, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो इसका मतलब या तो उससे मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर उसका दिमाग इधर उधर था, या फिर उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो डाउट पूछ ले। अगली वर्ड प्रॉब्लम है, यानी ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहा ना कि कब सब्स्टिट्यूशन, कब एलिमिनेशन, कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप अकॉर्डिंगली ये ऑन द स्पॉट ही सोचेंगे कि कब एलिमिनेशन लगाना है, कब सब्स्टिट्यूशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स, क्वेश्चन है अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों शीट में मिलेंगे, खूब मिलेंगे, आप शीट कलेक्ट करना, शीट में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको मजा आएगा करने में, लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। इफ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इफ 18 इज एडेड, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, If 18 is added to the number, the digits are reversed. The digits are reversed. Find the number. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर इमेजिन करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। A two digit number, find the number. A two digit number, find the number. तो let the number. ऐसे तो शुरुआत होती है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब एक्स इनटू वाई हो गया, तो ये जबरदस्ती बनाना पड़ता है। तो अगर किसी नंबर की टू डिजिट इस तरीके से हैं, तो इसको 21 नहीं पढ़ा जाता है, 73 पढ़ा जाता है। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10 इंटू 7 प्लस। ओके अब वो क्या बोल रहे हैं, अ टू डिजिट नंबर बन गया, यानी कि बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 5 एंड 2, तो क्या आप उस नंबर को 10 बोलोगे? नहीं ना, क्या बोलोगे, 50 प्लस 2। अगर थ्री डिजिट नंबर में 3, 2, 5 है, तो इसका मतलब है 325,
325, तो नंबर ये होगा। तो क्या होता है कि जब नंबर की फॉर्म में लिख दिया जाता है तब तो पढ़ना आसान होता है, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिख दिया जाए तो इसको एक्स वाई जेड नहीं पढ़ेंगे, 100x plus 10y plus z पढ़ा जाएगा। और क्यों पढ़ना है, क्योंकि सर अ टू डिजिट नंबर इज थ्री मोर देन, तो टू डिजिट नंबर कैसे लिखूंगा, अ टू डिजिट नंबर क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। आप बेवजह वर्ड प्रॉब्लम से डरते हो, आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है बच्चों कि आपको अंग्रेजी जब समझ में आ रही है तो आप आराम से इक्वेशंस बना सकते हो, लेकिन आप डरते हो। क्यों डरते हो, क्योंकि आप एनसीईआरटी पहले करते नहीं हो, आप एग्जांपल्स पहले करते नहीं हो, पहले समझने की कोशिश करते नहीं हो और उठा लेते हो रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंस का कीड़ा है ना बच्चे, इसको कहीं फेंक दो, पहले सीखो, वंस यू हैव लर्न देन यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके टीचर से पूछे और आपको तुरंत, तो आई नेवर सजेस्ट रेफरेंस बुक। आपको पहले एनसीईआरटी करना चाहिए, फिर कोचिंग का मटेरियल इसलिए बोल रहा हूं, जो कोचिंग में पढ़ेंगे उनके लिए बोल रहा हूं स्पेशली, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे कि अगर आप आरडी की बात करो तो भरा रहता है पूरा पेज प्रॉब्लम से, और हम लोगों ने डिफरेंट बुक से सिलेक्टेड प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दी है। अब आप बोलोगे सर आप तो कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं बच्चों। आप अगर कोचिंग का मटेरियल भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इनफ है 10th के लिए, बहुत ज्यादा इनफ है। और चूंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करते हो इसलिए आपको कोचिंग की भी जरूरत पड़ती है, या शायद कोचिंग में पढ़ाने वालों का आपको समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आपको मिलती है ना सॉल्यूशन उसी में होता है अगर आप ढूंढोगे तो, या सॉल्यूशन या सॉल्व कैसे करना है ये भी उसी में छिपा रहता है। अ टू डिजिट नंबर, और वही पूछा था, तो अ टू डिजिट नंबर ये रहा, इज थ्री मोर देन, किससे मोर देन, थ्री मोर देन फोर टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, फोर टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी एक नंबर बराबर है उस नंबर की डिजिट्स के सम के चार गुने से तीन ज्यादा। इक्वेशन बनी ना, अब इसको रीअरेंज कर लो, 10x plus y is equal to 3 plus 4x plus 4y 6x, इधर ट्रांसफर हुआ y minus 4y minus 3y is equal to 3। अब इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाइड और जितना अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो आपको लिखना है, तो 2x इससे डिवाइड कर रहा हूं 3 से, minus y is equal to 1, this is equation number 1। आगे बढ़ते हैं, if 18 is added to the number, if 18 is added to the number, 18 is added, then it becomes, then the digits are reversed। मतलब जो नंबर बना, मतलब ये तो वो हुआ कि 41 में 18 जोड़ा तो 14 आ जाए, यहां तो नहीं हो रहा लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि 37 में 18 जोड़ा तो 73 बन जाए, ये गलत है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये तो आपके माना हुआ प्लस 18, तो ये क्या बन जाए सर, ये बन जाइए, यानी कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाए। जैसे कि बच्चों 12 में कितना जोड़ो कि 21 बन जाए, 9 ना, ठीक है, तो वैसे ही कुछ हो रहा है, यानी वो जो भी नंबर था उसमें जैसे ही 18 करो तो वो नंबर जो बनता है उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है। तो अब नंबर क्या बन गया, वाई एक्स, इसको वाई एक्स लिख नहीं सकता तो कैसे लिखूंगा, 10y plus x। अब इसे इक्वेशन बनी 10x plus y plus 18, तो क्या हो गया, 10x minus x 9x, y minus 10y minus 9y plus 18 is equal to 0, so it is x minus y plus 9 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 is equal to 0, इसके जैसे लिखना चाह रहा हूं x minus y equal to minus 2, equation number 2। इक्वेशन 1 मेरे पास आ गई, इक्वेशन 2 मेरे पास आ गई, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को संभाल करके रखना, मुझे सॉल्व करना है ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2। अब बच्चों मैं तो नहीं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करूंगा मैं तो, उससे भी जल्दी कर सकता हूं, माइनस वन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस प्लस वन माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है 2x माइनस x, x माइनस y प्लस y कैंसिल, प्लस 2 1 कितना हो गया x इक्वल टू 3। पुट x इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 5, 6 माइनस y, अच्छे से कर लो,
6 minus 1 equals to y, so y is equal to 5. So the number is x, y. Number kya hai? 3, 5. So number is 35. Check karna hai, kar lo. 35 is 3 more than 4 times of sum of its digits. 32 plus 3 hai ki nahi? When 18 is added to the number, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इमेजिन करते हो तो आपको क्वेश्चन ही याद हो जाता है. देखो मुझे याद हो गया, when 18 is added to the number, तो 53 आना चाहिए ना, एड करके देखो, 5 and 8, 13, 1, 1, 2 and 3, 5. यानी सर हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, नंबर इज 35, यहाँ आंसर लॉक हो गया. ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं. तो बच्चों इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, ऐसी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में भी हैं, एग्जाम्पलर में भी हैं और कोचिंग की शीट में भी है. अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा और अच्छा है, ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड पर है. देखो मैंने आपको आर्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स कराई, एज उम्र पर बेस्ड प्रॉब्लम कराई और मैंने आपको नंबर टू डिजिट नंबर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कराई. ठीक है, अभी हम लोग एक डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन भी करते हैं. बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेशन आपको पता है ना, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं. अगर कोई बंदा इतने मीटर पर सेकंड से इतने सेकंड के लिए चला तो डिस्टेंस क्या, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, क्वेश्चन है पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर apart from each other on a highway. From each other on a highway, a car starts from A and another from B. At the same speed. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. And if they go in opposite directions, they meet in 9/7 hours. Find their speeds. Find at the same speed and at the same time. I am जब से लिखा था तब से सोच रहा था. Okay. अब ये क्वेश्चन ना मैंने देखा है कि हर साल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं. कारण बताऊं क्यों पूछते हैं? वो ना क्वेश्चन पढ़ते ही घबरा जाते हैं, पहले सरेंडर कर देते हैं कि अरे ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं. मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट सरेंडर कि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है. फिर कुछ बच्चे कब सरेंडर करते हैं? जब वो इंटर रिलेट या रिलेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को इक्वेशन से. मैंने कभी नहीं देखा कि इक्वेशन बनाने के बाद में कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है. इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो बहुत सिंपल है. चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो बहुत ही आसान है कि अगर पेयर हमें दिया हो तो उसकी इक्वेशन, वो जो पेयर में इक्वेशन है उनको सॉल्व करना तो बहुत आसान है. द थिंग इज कि जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तब इक्वेशन तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है. मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कहां है? क्वेश्चन में. ओके, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. जितना पढ़ो उसको अमेजिंग करते हुए चलो. ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे. अमेजिंग हो. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम.
यहां पर जो कार थी ये वाली कार और यहां पर बी पर भी एक कार है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर ये भी इधर चले और ये भी इधर चले, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours. अब इस चीज को फील कैसे करें, तो देखो आगे पूछा क्या है वो जरूर पता होना चाहिए. फाइंड देयर स्पीड्स, तो इसकी स्पीड क्या मालूम, देखो डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ आवर्स में, तो लेट स्पीड ऑफ कार ए या कार स्टैंडिंग एट पॉइंट ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड एक्स और बी की स्पीड वाई, स्पीड है ये, स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आवर. अब जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे कर देता हूं. केस वन, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी बच्चों ये 90 किलोमीटर का रास्ता था, ए मूव कर रहा है मस्त, बी भी मूव कर रहा है मस्त, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, वो यहां मिले, ये बी है ये ए है, ए एक्स किलोमीटर से जा रहा है, तो देखो कितने आवर्स में वो मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं तो कितना टाइम हो गया. सर आपको सब पता है इसलिए आप समझा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप ना ऐसे सोचो कि भाई अगर ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से, फिर बोलता हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो. बेस्ड ऑन टाइम स्पीड और डिस्टेंस जब क्वेश्चन आ जाए, हर पॉइंट पर या हर जगह तीनों चीजों को सोचो. ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जब वो मिले, बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहां पर डिस्टेंस टाइम और स्पीड सब पता होना चाहिए. तो यहां पर ए की स्पीड वही है, बी की स्पीड वही है जिससे वो चल रहा था, टाइम कितना हो गया, यहां टाइम बी के लिए जीरो, यहां टाइम ए के लिए जीरो, ए इतने टाइम चला, बी भी इतने टाइम चला, सेम टाइम चले क्योंकि कितने 9 hours में मिलते हैं, तो ए कितना चला, ए की डिस्टेंस हो गई 9x. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 9 hours, स्पीड इनटू टाइम, x से चल रहा था, अगर आप 10 किलोमीटर पर घंटे पर आवर से चल रहे हो तो 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना 30 किलोमीटर, तो अगर आप x किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, 1 घंटे में x किलोमीटर चल रहे हो, तो 9 आवर्स में कितना 9x, और b कितना चलेगा 9y. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b इन 9 hours, y से चल रहा था y किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 9 घंटे में 9y. अब x और y को रिलेट करना है, ये आपको दिया हुआ है, तो बच्चों 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90. यही है जादू जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन आप एक दो प्रॉब्लम जब स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाली कर लोगे तो आपको अपने आप बनने लगेंगी. तो जो केस वन दिया था उसे रिलेशन निकाल लिया, 9 से डिवाइड किया, x माइनस y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लॉक हो गई, अब मैं आराम से रब भी कर सकता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब केस टू को डिस्कस करते हैं. केस टू, इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस ए ऐसे चल रहा है तो बी ऐसे चले, तो बीच में यहां इनके कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये मीटिंग पॉइंट हो गया. ये कितने से चल रहा था एक्स से, ये कितने से चल रहा था वाई से, कितनी देर में मिलते हैं, तो हर एक टाइम पर, यहां पर ए की स्पीड एक्स टाइम जीरो, यहां बी की स्पीड वाई टाइम जीरो, ये जब दोनों यहां मिले तो टाइम कितना 9/7 hours, तो ये कितना चला 9/7x. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 9/7 hours कितना हो गया 9/7x, एंड द सेम ट्रेवल्ड बाय बी इन 9/7 hours कितना हो गया 9/7y. तो ये चला 9/7x और ये चला 9/7y. अब x और y में रिलेशन, हाउ कैन वी डिराइव 9x by 7 plus 9 by 7 y, this distance plus this is equal to 90. तो क्या आ गया, 9 से डिवाइड किया तो x by 7 plus y by 7 is equal to 10. So x plus y is equal to 70. Equation number 2 we have obtained. तो अब equation 1 आ गई, equation 2 आ गई, अब क्या करना है,
अब सर इन दोनों को सॉल्व करना है तो अब सॉल्व कर लेंगे। तो ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस, क्योंकि सारी सारा का सारा खेल एक्स और वाई के लिए तो खेला जा रहा है, ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस, लिखने की चिंता नहीं करना है। कभी भी सर से ये मत पूछो कि सर सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सोशल में पूछ लेना, मुझे नहीं पता क्योंकि सोशल बच्चों मुझे नहीं आती है। मैथ्स में कभी भी सर से ये मत पूछो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये पूछो कि आपने जो बताया था ऐसे ही क्यों किया। अगर आप ये समझ गए कि सर का जो मेथड है वो ऐसे ही क्यों किया, और बच्चों मेरा तो ये कहना है कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सबके सॉल्यूशन उन्हीं में छिपे हुए होते हैं, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बहुत हलवा टाइप की बनती है, हलवा पूरी टाइप की, है ना। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, क्या कर दूं, एड कर दूं, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, तो x कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, y कितना आया 40, रखो पुट x इक्वल टू 40, y इधर आया 10, y आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। एंड यू कैन चेक द सेम, देखो चेक कर लो a और b, ये 40 से चल b का आ, यहां पर ये 30 से, 9 आवर्स में कितना 360, 9 आवर्स में कितना, देखो ये 360 चल गया 9 आवर्स में, ये 9 आवर्स में 270, तो ये 270 चला, ये 360 चला, तो देखो ये 90 आया कि नहीं आया। ऐसे आप दूसरा वाला भी चेक कर लो। कहने का मतलब सॉल्यूशन कहां है, सॉल्यूशन क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, तो कितनी अच्छी बात है। गिवन तो आपको क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में सॉल्यूशन है। तो बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको आज एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक मेथड कंप्लीट हुआ। फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए हैं, आपको मैं आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दूंगा, और अगर आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स और भी चाहिए तो कलेक्ट द शीट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। और वैसे अभी आप एनसीईआरटी से भी काम चला सकते हो, एनसीईआरटी कर लो, आज के होमवर्क के बाद में ही आप शीट को हाथ लगाना, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आपके जो डाउट्स होंगे, अच्छे डाउट्स को मैं डिस्कशन में लूंगा अगले लेक्चर में। फिर हम लोग ये जो इक्वेशंस पढ़े हैं तो हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे कि ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जो लीनियर तो नहीं होती हैं लेकिन लीनियर के स्टाइल में सॉल्व होती हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट्स या मेथड्स आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, equations reducible to linear equations. I repeat, we will discuss equations reducible to linear equations. Any actual way they are not linear equations, but we resolve them, we frame them into the form of linear equations, and then we use the same concepts used in solving the linear equations, and फिर हमें solution मिल जाता है। अब मैं ज़्यादा discuss नहीं करूँगा। तो आज के इतना काफी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क अटैच्ड है, होमवर्क करें। सो आपको अब बच्चों मैं आपको जैसे बोला था कि हमारी वेबसाइट इंटीग्रेट हो रही है धीरे धीरे, तो वेबसाइट इंटीग्रेट हो चुकी है। आप ये वीडियोस वेबसाइट पर भी अगर देख रहे हैं, क्योंकि आगे से यूट्यूब पर आप नहीं देख पाओगे, वेबसाइट पर ही देखोगे, आप समझ गए ना आगे से मतलब, ठीक है। अब तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने के पीछे बच्चों मोटिव ये था कि भाई जो बच्चे, क्योंकि बच्चों को पूरा अधिकार है ये जानने का, ये समझने का कि जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनका उनको समझ में आना चाहिए। तो अभी हमने काफी आपको टाइम दिया, डेढ़ दो महीने से ऊपर हो गया, अब हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो अब सारा सब कुछ वेबसाइट पर ही आ जाएगा। तो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क मिल जाएगा, वेबसाइट पर जब आप देखो वीडियो तो सामने होमवर्क के लिए लिंक रहता है, वेबसाइट पर वीडियो देखना ज्यादा कन्वीनियंट है, आप एक बार चेक करना। अभी उस पर काम चल रहा है, उस पर अभी डाउट वाला सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो coracademy.bsp.in जब आप इस पे जाओगे तो उसमें एक टैब है लर्न एट होम, इस पे क्लिक करोगे, क्लास चूज करना, वीडियो चैप्टर के साथ में लेक्चर, जैसे चैप्टर रियल नंबर लेक्चर वन, रियल नंबर्स लेक्चर टू, पॉलीनोमियल्स लेक्चर वन, टेस्ट डिस्कशन, जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा गिव टेस्ट, वैसे टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, नेक्स्ट चैप्टर फिर गिव टेस्ट गेट इट सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर। तो जब आप क्लिक करोगे तो इधर सामने में होमवर्क का भी लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं होमवर्क भी आपके सामने आ जाएगा।
और अगर डाउनलोडेबल होमवर्क नहीं है तो आपको उसमें दिख जाएगा कि एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज आपको दी गई है। और अभी वेबसाइट पर जो काम चल रहा है वो चल रहा है कि बच्चे को जो डाउट पूछना है तो एक कमेंट बॉक्स बन रहा है। आई थिंक दैट इट विल बी कंप्लीटेड टिल 17th और 18th जून। उसके बाद में कंप्लीट सारा सब कुछ हम स्विच हो जाएंगे वेबसाइट पर, यूट्यूब से स्विच हो जाएंगे वेबसाइट पर। अब आप समझ गए ना कि क्या होगा फिर, ठीक है? तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स हियर, बट आप बच्चों अभी तो पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो शांति से, और आई होप कि आपको जो भी डाउट्स आएंगे आप पूछो। और उन बच्चों से मुझे बात करनी है जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, उनसे एक छोटी सी बात बोलता हूं कि बच्चों दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, आई एम नॉट सेइंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो, पढ़ने का मन आपको बनाना है। और अगर आपको पता कैसे लगेगा वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज गुड और नॉट, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग सिस्टमेटिक, क्योंकि क्या हो रहा है ना बच्चों अभी ना अंधी दौड़ में ये मनी अर्निंग हो गया लोग, कोरोना मनी अर्निंग कैसे हो गया कि अभी ना इंटरेस्टिंग वीडियो डाल करके बच्चों को लुभाया जा रहा है और फिर वो ज्वाइन कर ले रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, फिर वहां हजारों में बच्चे हो जाते हैं, अगर वो डाउट पूछेगा भी ना बच्चा तो सुनने वाला कोई नहीं है, और जानबूझ करके ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं ट्रिक फॉर दिस, जैसे अभी मैंने आपको ट्रिक भी बना करके डाली थी अलग से, तो ऐसी ट्रिक्स काफी सारी होती हैं। तो बच्चों हमें ना, हमारा मोटिव अभी आपको इम्प्रेस करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उन्हें सिस्टमेटिक वे में लेक्चर्स मिलते रहे, लाइक यानी वी आर फीलिंग कि हमें सब कुछ जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में होता था वैसे ही इस सिस्टम को चलाना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, आप वेबसाइट पर वीडियो देखना जरूर सीखना, ठीक है? बाय बाय एवरीवन।